तो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी का ट्रेलर आ चुका है। तो इस मूवी के टीजर से हमें पुराने बॉलीवुड की वाइब आ रही थी, जिसमें वही लव स्टोरी और दो बड़ी बड़ी फैमिलीज होंगी। यानी बेसिकली वो टीजर हमें पुरानी करण जौहर की मूवीज की याद दिलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब इसका ट्रेलर आया तब हमें उससे पता चलता है कि इस मूवी की थीम तो वही होगी, सिर्फ उसका मॉडर्न वर्जन है। तो जब इसका टीजर आया था तब हमें उसमें एक भी डायलॉग सुनने को नहीं मिला था। तो अब इसका ट्रेलर आया है तो अब उसकी बात करते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने। तो इस मूवी में काफी बड़े बड़े एक्टर्स भी इन्वॉल्व है, जैसे कि धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी। तो बेसिकली हमें इस ट्रेलर में वही देखने को मिलता है जो धर्मा प्रोडक्शन की हर मूवी में होता है, यानी कि वही बड़े बड़े कलरफुल सेट्स और रिच फैमिलीज। तो इस ट्रेलर से जो स्टोरी हमें समझ में आई मैं वो आपको बताता हूँ। तो इनकी लव स्टोरी आजकल के निब्बा निब्बियों की ही तरह शुरू होती है, लेकिन इन दोनों की है बड़ी बड़ी फैमिलीज, एक तरफ है रंधवास और दूसरी तरफ है चैटर्जी। अब बात ऐसी है कि अगर इन दोनों को एक होना है तो पहले इनकी फैमिलीज को एक होना होगा। तो अब यहाँ पर इनके पास है एक प्लान, वो दोनों अपनी अपनी फैमिली स्विच कर लेते हैं। यानी कि रानी रॉकी के फैमिली के साथ 3 महीने तक रहेगी और रॉकी रानी की फैमिली के साथ रहेगा। वैसे यहाँ पर रानी आलिया भट्ट और रॉकी रणवीर सिंह है, और फिर बाद में रॉकी और रानी के बीच कुछ लोचा हो जाने की वजह से वो अलग हो जाते हैं। अब उन दोनों की शादी हो पाती है या नहीं ये तो हमें ये मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे इस कॉन्सेप्ट से सिमिलर हमने ऑलरेडी काफी सारे मूवीज देख रखी है, तो उस हिसाब से इस मूवी का चलना थोड़ा मुश्किल है। वैसे रणवीर सिंह का रोल मुझे आजकल के छपरी लड़कों की तरह लगा। वैसे इस मूवी के ट्रेलर में हमें डबल मीनिंग जोक्स भी सुनने को मिलते हैं, तो मुझे किसी एंगल से ये मूवी फैमिली फ्रेंडली तो नहीं लग रही। तो मैंने आपको अपना ओपिनियन तो बता दिया है, तो आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ज्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। I'm gonna make it.